गुना में बीजेपी सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही नूरा कुश्ती में कांग्रेस भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने विवाद पर चुटकी लेते हुए कहा, जब से केपी यादव ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो सिंधिया समर्थकों के निशाने पर आ गए हैं। सलूजा ने कहा, जिस तरह से शनिवार को सिंधिया समर्थक सांसद के खिलाफ जमीन हड़पने और गुंडागर्दी की शिकायत लेकर भोपाल पहुंचे हैं, साफ है सांसद को उनकी ही पार्टी में संरक्षण नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता जिसने सिंधिया को करारी हार दी हो, उसके साथ इस तरह का बर्ताव बेहद दुखद है। सलूजा ने कहा, साफ है बीजेपी में टिकाऊ पर बिकाऊ हावी हो रहा है। सुशासन की बात करने वाले बीजेपी नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी में अनुशासन पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये कैसी भाजपा हो चली है? एक सांसद जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाखों वोटों से हराया, जो निष्ठावान पार्टी का ईमानदार नेता की तरह काम कर रहे हैं, जब उन्हें प्रोटोकॉल के तहत उनका लगातार अपमान किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही सिंधिया समर्थक मंत्रियों द्वारा, और वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, तो बदले में सिंधिया समर्थक उन्हें जमीन हड़पने वाला बता रहे हैं, गुंडागिर्दी करने वाला बता रहे हैं। ये वही केपी यादव जिनने भाजपा के उस भाजपा को उस गढ़ में जिताया। आज भाजपा में निष्ठावान लोगों की, ईमानदार लोगों की, टिकाऊ लोगों की ये स्थिति हो चली है कि बिकाऊ लोग खुले हम उन्हें गुंडागिर्दी वाला बता रहे हैं, उन्हें जमीन हड़पने वाला बता रहे हैं। यदि पार्टी फोरम में केपी यादव ने बात रखी तो इस तरह जिस प्रकार से भाजपा कार्यालय में गुना के लोग इकट्ठा हुए और जिस प्रकार से लगातार उन्होंने केपी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा उस चिट्ठी के सामने आने के बाद, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा वो भाजपा नहीं बची जिसमें अनुशासन की बात की जा सकती है।